नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, संसद का विशेष सत्र भी खत्म हो चुका है, लेकिन बीते दो सालों में राहुल गांधी ने अपनी जो जननायक वाली छवि बनाने की कोशिश की है वो उस पर अब भी काम कर रहे हैं। वो नेताओं में से एक बन चुके हैं जो मुसीबत में जनता के साथ सबसे पहले खड़े होते हैं और उनके सुख और दुख में भागीदारी निभाते हैं। राजनीति के आईने में छवियां स्थायी नहीं होती हैं, चेहरा वही होता है, अक्स बदल जाता है। यही हुआ है राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी को पसंद करना और ना पसंद करना किसी की व्यक्तिगत या राजनीतिक राय हो सकती है, लेकिन इस बार राहुल गांधी सबको उनके बारे में सोचने, समझने और पसंद करने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं। जनता के साथ कदम ताल करना हर नेता की बस की बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी इसे अपने बाएं हाथ का खेल बना रहे हैं और ये भाजपा के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। कैसे, ये देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस का हादसा, अपनों को खोने का गम, सियासत से परे मदद और साथ की गुजारिश, बस यही हाल है इस वक्त हाथरस के लोगों का। उनको मुआवजे का लालच नहीं, किसी के साथ की जरूरत है, बस यही साथ देने हाथरस पहुंच गए राहुल गांधी। उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की, उनको गले लगाया, उनकी बात सुनी और भरोसा दिलाया कि उनसे जितना बल पड़ेगा वो उनकी मदद करेंगे। राहुल गांधी का पीड़ितों से मिलने का ये दौरा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुधवार को हाथरस के दौरे के बाद हुआ है। कांग्रेस ने राहुल के पीड़ितों के साथ मिलने की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं। हाथरस में राहुल गांधी का अलग अवतार सामने आया, एक संवेदनशील राजनेता का, एक ऐसा नेता का जिसे अपने बीच पाकर पीड़ित उसके कंधे पर सिर रखकर बेजान रो सके। राहुल गांधी भी एक एक कर पीड़ितों का दर्द सुनते रहे, उन्हें मदद का भरोसा दिया, कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। खास बात यह है कि इस दौरे के बाद एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि राहुल हाथरस में सियासत को साधते नजर आए। उन्होंने ना ही कोई ऐसा बयान दिया जो सीधे तौर पर भाजपा पर हमला करने वाला हो, ना उन्होंने कोई तंज कसा, ना कोई उग्र बयान दिया, बस ये कहा कि प्रशासन की कमी है, इसका पता लगाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूं, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए जी, जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पर ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर। बात केवल हाथरस की नहीं, 2014 के बाद सियासत से पप्पू की पहचान लेकर राहुल कुछ साल गायब रहे, लेकिन 2022 से वो ऐसे निकले कि अब खो जाने का सवाल ही नहीं उठता। बीते 2 सालों में राहुल गांधी ने इतना काम कर लिया है कि उन्होंने भाजपा की पकड़ को भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में हिला के रख दिया है। राहुल की राजनीतिक यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा एक अहम पड़ाव बनकर आई। जब राहुल ने देश को, समाज को, जनता को नए सिरे से देखना शुरू किया, देश के बारे में उनकी धारणा बदली और उनके बारे में देश की। पहली बार लोगों को लगा कि सफेद टी शर्ट पहने ये दमदार चेहरा कुछ तो कर रहा है। इस बिखरी और बड़ी हुई दाढ़ी के पीछे लोगों को एक ईमानदारी नजर आई और राहुल के प्रति निगेटिव नैरेटिव को अब ढलान मिलने लगा। दूसरा बड़ा मंत्र बना सामाजिक न्याय, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, गरीबों के हक
और हित के मुद्दे को राहुल ने अपनी भाषा बनाया और 24 के राहुल गांधी को सबके सामने है ही, जिन्होंने भाजपा की नींव का डगमाने का काम कर दिया। कभी राहुल कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन आज जो कांग्रेस है वो राहुल की कांग्रेस है। आज की कांग्रेस को राहुल गढ़ रहे हैं और पुराने खोल से निकाल कर आगे बढ़ रहे हैं, और यही पहचान अब भाजपा के लिए मुसीबत बनकर सामने आने वाली है। भाजपा का कोई नेता नहीं पहुंचता, वहां राहुल पहुंच जाते हैं। जिस मुद्दे पर भाजपा चुप्पी साधती है, उस मुद्दे को राहुल सदन में ललकारते हैं। चाहे परीक्षा में धांधली का शिकार हुआ कोई युवा हो, या अग्निवीर बनने के बाद शहीद हुए जाबाज के घर पहुंचना हो, राहुल सबसे आगे रहते हैं। राहुल गांधी की ये तेजी और भाजपा की चुप्पी ही आने वाले दिनों में सियासत में काफी कुछ बदलने वाली है। देखा जाए तो छवियों का बनना और बिगड़ना राजनीति की घड़ी में नियति की तरह है। कभी एक का डंका बजता है तो कभी किसी का बैंड बज जाता है, लेकिन शायद ये वक्त राहुल गांधी का है। अब राहुल गांधी एक अलग अवतार में दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब की बार 400 पार का दम भर रही भाजपा बामुश्किल 240 सीट जीत पाई। 2014 और 2019 में 44 और 52 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार 99 सीट पर पहुंच गई। राहुल गांधी पार्टी और कार्यकर्ताओं के उस जोश को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा उनको आगे मिलना तय है। साथ ही जनता को भी एक ऐसा नेता मिल रहा है जो उनके दुख और उनकी समस्या में सबसे ज्यादा साथ खड़ा होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।